एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट का मतलब मालूम होगा ऐसे भी कि एग्जैक्ट बताना, ये एब्सोल्यूट होता है। जैसे ल्यूकोसाइट डिफरेंशियल काउंट जब कर रहे थे तो न्यूट्रोफिल कितना था उसमें, और बेसोफिल और इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यानी कि अलग अलग जो 5 टाइप का ल्यूकोसाइट होता है, WBC होता है, उसको जो काउंट कर रहे थे उसी में एब्सोल्यूट रेंज निकालेंगे, मतलब कि एब्सोल्यूटली एग्जैक्टली ल्यूकोसाइट का नंबर ब्लड में कितना है, मतलब न्यूट्रोफिल का नंबर कितना है, अलग अलग एब्सोल्यूट में करते हैं, पूरा एक साथ नहीं, अलग अलग 5 टाइप का एब्सोल्यूट में निकालते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल एग्जैक्टली कितना है, बेसोफिल एग्जैक्टली कितना है, इओसिनोफिल कितना है, लिम्फोसाइट एग्जैक्टली कितना है ब्लड में, मोनोसाइट कितना है, कि अलग अलग जो डिफरेंशियल काउंट जो करते थे उसी का ये एग्जैक्ट काउंट जब करते हैं कि एग्जैक्टली बिल्कुल परफेक्ट कितना है, तो वो होता है एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट या एब्सोल्यूट WBC काउंट। तो जैसे इसको करते कैसे हैं, तो जैसे टोटल WBC तो निकालना है, मालूम है कि टोटल WBC काउंट कैसे करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी TC मालूम है, डिफरेंशियल भी पता है, DC भी पता है कैसे करते हैं, तो TC और डिश दोनों कर लीजिए और उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसी से एब्सोल्यूट काउंट। तो एब्सोल्यूट काउंट जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैसे करते हैं, तो टाइप ऑफ ब्लड से ले, टो एब्सोल्यूट मतलब पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ WBC जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, उसको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है टोटल WBC से, और किसको मल्टीप्लाई करना है, तो डिफरेंशियल के परसेंटेज को, जैसे कि निकाले थे DC जब कर रहे थे तो न्यूट्रोफिल का को परसेंटेज में निकाले थे कि परसेंट कितना परसेंट ऑफ न्यूट्रोफिल है, कितना परसेंट ऑफ बेसोफिल है, कितना परसेंट ऑफ इओसिनोफिल है, तो वहाँ पे परसेंटेज में काउंट किए थे, यहाँ हम एग्जैक्टली निकाल लेंगे कि कितना है। तो उस एग्जैक्ट कितना है ये निकालने के लिए बस यही करना है कि टोटल WBC काउंट मालूम है हमको कि टोटल कितना है और उसका परसेंटेज भी पता है, तो टोटल को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा एब्सोल्यूट काउंट। इसको ये भी बोल सकते हैं कि रियल नंबर ऑफ WBC निकालना। इसके बाद एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट है, मतलब जैसे एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट जो काउंट बोल रहे हैं तो अलग अलग 5ों का निकालते हैं, तो सबसे पहले जो है वो बता रहे हैं न्यूट्रोफिल को काउंट करना है, एग्जैक्टली रियल नंबर जो न्यूट्रोफिल का कितना है, यहाँ लिखा है रियल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल निकालना, ये एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट हो गया, इसको ANC भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो ये निकलेगा कैसे, तो न्यूट्रोफिल का जो परसेंटेज निकालें हम DC करके, और WBC का पूरा टोटल निकालें TC करके, TC और DC किया, अब DC में जो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल WBC के नंबर से, तो मेरा निकल जाएगा एब्सोल्यूट काउंट। और एब्सोल्यूट काउंट का यहाँ पे नॉर्मल रेंज सब बताया हुआ है कि कितना से कितना होता है, न्यूट्रोफिल का 1.8 to 7.7, लिम्फोसाइट 1.0 to 4.8, उसी तरह सबका दिया हुआ है एवरेज कितना होता है। अब निकालेंगे कैसे ये बता रहे, तो ANC यानी एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, टोटल WBC इंटू न्यूट्रोफिल का परसेंट, क्योंकि न्यूट्रोफिल परसेंट में ही निकाला था DC जब किया था, तो अब जहाँ पे भी परसेंट रहता है तो उसको नंबर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसी परसेंटेज को परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल WBC इंटू न्यूट्रोफिल बाई 100 हो जाता है। एक्चुअली यही बताया था वहाँ पे जो बुक का फॉर्मूला जो डिफिनेशन दिया था कि टोटल WBC को मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट्स से, यानी परसेंटेज ऑफ, जैसे अगर न्यूट्रोफिल का एब्सोल्यूट निकालना है तो टोटल WBC को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूट्रोफिल के परसेंट से, और परसेंट हटाने के लिए यहाँ पे दे दिया 100, इस तरह से ये बन जाता है टोटल WBC इंटू न्यूट्रोफिल डिवाइडेड बाई 100। इसको जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो देख लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम TC किया तो हमको टोटल WBC आया 5500, और DC किया तो हम न्यूट्रोफिल निकला है 54%, तो क्या करेंगे कि टोटल WBC इंटू न्यूट्रोफिल बाई 100 करेंगे, क्योंकि 54% था तो परसेंट के लिए यहाँ पे 100 दे दिया है, अभी 100 100 को काट दिया तो 55 को 54 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आ गया 2970। ये किस में आया है, तो m³ में आया है, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2.7
9 7, यानी 3 डिजिट हटा देंगे, 3 डिजिट के पहले पॉइंट दे देंगे तो इंटू 10 to the power 3 हो गया। वैसे भी कर सकते हैं, वरना ऐसे एमएम क्यूब में। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो नॉर्मल वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 to the power 9 per liter, और अभी जो हम निकाला वो एमएम क्यूब में निकाला है। तो अगर 1 लीटर ऑफ ब्लड में निकालेंगे तो उसी को 10 to the power 9 कर देते हैं, बस यही है। बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे 10 to the power 9 क्यों है, तो 1 लीटर में यहाँ कर रहे हैं इसीलिए, और वो निकाल रहे हैं तो एमएम क्यूब में निकाल रहे हैं। अब बाकी का भी अगर निकालना है, जैसे न्यूट्रोफिल का निकाला, उसी तरह से हम बेसोफिल का अगर निकालेंगे तो सेम वही काम करेंगे। टोटल WBC को बेसोफिल जितना निकाला उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इओसिनोफिल का निकालेंगे तो टोटल WBC इंटू इओसिनोफिल बाई 100। उसी तरह लिम्फोसाइट निकालेंगे तो टोटल WBC इंटू लिम्फोसाइट बाई 100। मोनोसाइट निकालेंगे तो टोटल WBC इंटू मोनोसाइट बाई 100। सेम वैसे ही निकाल लेंगे सबका। अब यहाँ पे है कि न्यूट्रोफिल को काउंट क्यों करते हैं, तो न्यूट्रोफिल को कब काउंट करते हैं, तो कोई अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए काउंट करना होता है, मतलब डॉक्टर बोलता है कब न्यूट्रोफिल एब्सोल्यूट काउंट करने के लिए। तो कोई ऐसा इन्फेक्शन अगर हो तो उसके लिए टेस्ट करवाना होता है कि एब्सोल्यूट पता करना होता है। केमोथेरेपी अगर पर्सन का हो रहा है, या रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी मोस्टली कैंसरस पेशेंट्स के जो थेरेपी होता है, मतलब केमिकल्स यानी दवा मेडिसिन दे करके जो थेरेपी किया जाता है, या रेडिएशन यानी रेज के मदद से जो थेरेपी किया जाता है कैंसर पेशेंट का, तो वैसे में WBC का एब्सोल्यूट काउंट होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी किया जाता है, यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो एस्ट्रॉइड जो है हार्मोन है, जो कि एक जो ग्लैंड मालूम होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ये स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका स्टेरॉइड हार्मोन का काम होता है जैसे स्ट्रेस को के लिए रिस्पॉन्स देता है, स्ट्रेस को कम करना, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलिज्म में काम करता है, तो और भी बहुत सारा फंक्शन जो है परफॉर्म कराने में हेल्प करता है, टिश्यू को, मसल्स को, ऑर्गन्स को, सेल्स को, ठीक है। तो अगर इसमें कमी होती है, इसमें अगर प्रॉब्लम होता है, एड्रिनल डिजीज़ होता है या हार्मोनल डिजीज़ होता है, तो उसकी थेरेपी जब होती है तो वहाँ पे भी टोटल न्यूट्रोफिल काउंट करा जाता है। रिसेंट सर्जरी अगर है, एनेक्जाइटी है, अगर HIV है या प्रेगनेंसी है, तो ये सब में न्यूट्रोफिल को काउंट करवाया जाता है। और हाई जो लेवल हो जाता है, मतलब न्यूट्रोफिल का जो नंबर वो इंक्रीज़ अगर कर जाता है, तो किस किस कंडीशन में करता है, तो अगर इन्फेक्शन हो, मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर इन्फ्लेमेशन बिना किसी इन्फेक्शन का इन्फ्लेमेशन है, या इंजरी है, सर्जरी है, स्मोकिंग या टोबैको अगर ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, स्टेरॉइड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, हार्ट अटैक हो गया, या ल्यूकेमिया हो गया, माइलोइड ल्यूकेमिया कहने का मतलब हो गया कि जो धीरे धीरे जो कैंसर हो जाता है, और ये स्टार्ट होगा बोन मैरो से और धीरे धीरे इंक्रीज करके ब्लड सेल कैंसर में चेंज हो जाता है, तो ये माइलोइड ल्यूकेमिया कहलाता है। और यहाँ पे एक चीज़ है स्टेरॉइड का यूज़, तो स्टेरॉइड अभी बताए थे कि स्टेरॉइड एक टाइप का हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड बनाता है, तो इसी में अगर कमी होती है तो वो एक ये स्टेरॉइड जो मैनमेड भी होता है, मेडिसिन भी होता है, मैनमेड मेडिसिन, तो वो बाहर लेते भी हैं बहुत सारे लोग, तो ज़्यादा यूज़ अगर करते हैं स्टेरॉइड का तो उनके में भी न्यूट्रोफिल का जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है, तो ये सब कंडीशन में इंक्रीज कर जाता है, इतना समझ में आ रहा होगा। इसके बाद न्यूट्रोफिल जो है डिक्रीज करता है वो भी है बताएंगे, वो न्यूट्रोपेनिया वो अलग ही टॉपिक पढ़ना है, तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रोपेनिया बताएंगे तो वहाँ पे बता देंगे कि डिक्रीज क्यों करता है नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल ब्लड में। तो एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट समझ आ गया होगा, और इसमें सारे का ही काउंट करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल का आज बताए हैं तो इसलिए न्यूट्रोफिल का ही काउजेस बता दिए हैं। अब अलग अलग इस इओसिनोफिल क्यों इंक्रीज या डिक्रीज करता है, और बेसोफिल क्यों इंक्रीज डिक्रीज करता है, लिम्फोसाइट क्यों करता है, मोनोसाइट क्यों करता है, उसको अलग अलग बता देंगे। मतलब एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट आज सिर्फ बताएं, एब्सोल्यूट बेसोफिल काउंट, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट, और एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट को अलग अलग बता देंगे। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं।